एक्स सर्विसमैन जॉब कैसे मिलेगा। जैसे कि दोस्तों बहुत सारा लड़के सब मेरे को कमेंट भी करते हैं, कौन से वाले जो अभी जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, जहाँ पे BSF CSF CIA और उसके बाद आर्मी वाले जो लड़के ऑलरेडी अग्निवीर वाले जवान जो है ये सब अभी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो भी मेरे वीडियो इत्तेफाक से देख रहे हैं। वो बोले थे अगर सर मैं जैसे यहाँ से निकलूँगा तो फिर मेरे को अगर जॉब चाहिए सिक्योरिटी फील्ड में तो कैसे मिलेगा। तो दोस्तों इसमें सिक्योरिटी फील्ड में जॉब लेने के लिए आपको मैं बता दूं, हमारे तरफ से जो सजेशन समझ लो या सलाह समझ लो, जो लड़के एक्स सर्विसमैन है वो निकलने वाले हैं चाहे रिटायर या वहाँ से उसका टाइम ख़त्म होने वाले हैं, अगर वो आते हैं तो वो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, गन का लाइसेंस आप सबको लाइसेंस तो बना ही रहेगा, लाइसेंस बनवा लेना, और एक गन 12 बोर वाला जो आता है जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए रहते हैं वो आप बनवा लेना, चाहे PSO पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो रास्ता पिस्टल उसका आप लाइसेंस बना सकते हैं जो पर्सनल सिक्योरिटी में आपको काम आएगा। उसमें आपको जॉब कैसे, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लड़के आते हैं जो एक सर्विसमैन हो, लेकिन आप एक सर्विसमैन हैं तो आपके लिए बेहतरीन पोस्ट हो सकता है। जैसे नॉर्मल आप तो अगर गन का लाइसेंस नहीं रहेगा तो सिक्योरिटी गार्ड का मौका मिलेगा चाहे सुपरवाइज़र का मिलेगा, तो कितना मिलेगा 25,000 27,000 सैलरी। अगर आप एक सर्विसमैन अगर आप गन का लाइसेंस बना लेते हैं, अगर आपके पास गन है चाहे PSO में पिस्टल है, तो आपको 25,000 से 35,000 40,000 रुपये तक सैलरी जा सकता है। और ये आपको जाएंगे कैसे, जैसे कि दोस्तों मेरे पास अभी SIS G4S हर सिक्योरिटी में लड़के को लगाता हूँ, तो आपको सबसे पहले रिज्यूम डालना पड़ेगा, और रिज्यूम एक सर्विसमैन का कैसे बनता है आप सबको अच्छी तरह से पता होगा, नहीं पता होगा साइबर कैफे में जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे आपको रिज्यूम ज़बरदस्त बनवाना है जो एक सर्विसमैन और एक सर्विसमैन का, और प्लस में जो आपके पास गन रहेंगे तो आप कहीं पे भी अगर ड्यूटी करते हैं तो आपको 25,000 से 35,000 40,000 रुपये तक सैलरी जाएंगे, जो कि आप स्पेशल गनमैन के लिए रहेगा। नहीं तो अगर वैसे सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर बनोगे तो 25,000 सैलरी रहेगा, तो आपको एक सर्विसमैन का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। और अगर आप ये हमारे पास लड़के कॉल किया है जो भाई मैं यहाँ पे 4 साल मेरा कंप्लीट होने वाला है, मेरे को कैसे जॉब मिलेगा, कैसे जॉब होना चाहिए, और एक सर्विसमैन भी जो रहता है तो उसको जो बोलते हैं जो मैं एक सर्विसमैन हूँ मेरे को जॉब चाहिए, तो उसको अगर सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का जॉब अगर मिलते हैं तो फिर वही आपको 25,000 से 30,000 सैलरी रहेगा। अगर आप गन का लाइसेंस बना लेते हैं और गन आपके पास रहेंगे तो आपको अच्छा खासा महीने का सैलरी हो सकता है। दोस्तों जैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस में बता दूँ, जो भी लड़के जो भी एक सर्विसमैन है उसको हमारे द्वारा जानकारी जहाँ बेंगलोर हैदराबाद चेन्नई बड़ोदरा नोएडा गुड़गांव कोलकाता ये सब लोकेशन में मैं जॉब लगाता हूँ, तो इस लोकेशन में आपको जॉब लगाने के लिए अगर आपके पास गन का लाइसेंस रहेंगे तो आपको रिज्यूम डालना पड़ेगा, और मैं वहाँ का आपको लोकेशन डाल दूंगा, और यहाँ से भी आपको ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मोबाइल पर ही ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी आपको अच्छा खासा मिलेगा, बड़े बड़े मारुति कंपनी हो गया, टाटा हो गया, ये सब रिलायंस हो गया, ये सब में अगर बड़े बड़े सिक्योरिटी में अगर आपको कंपनी में जाकर के अगर जॉब लगते हैं तो सैलरी भी 30 से 35-40,000 देखने को मिलेगा। तो भाई लोग आप जैसे एक सर्विसमैन है तो ऐसे चक्कर में मत पड़ो जो भाई सिक्योरिटी गार्ड में कहीं कर ले, हम बहुत सारे एक सर्विसमैन को देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड में 18,000-20,000 कमा रहे हैं जीवन जी रहा। भाई आपके पास लाइसेंस बन जाएगा ईजिली, आप गन का लाइसेंस बनाओ और 25,000 से 40,000 रुपये तक महीने कमा सकते हैं। और ज्वाइनिंग प्रोसेस हम आपको बता दें, डॉक्यूमेंट आपके पास नॉर्मल भी रहेगा, इंटरव्यू आपका इजी रहेगा, ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, आपको जो एक्स सर्विस में पुराने ड्यूटी के उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, और लड़के को थोड़ा ट्रेनिंग करने का एक्सपीरियंस रहेगा, PT ड्रिल ये सब तो भाई एक्स सर्विसमैन को होता ही है। नॉर्मल चीज़ पूछेंगे, सिक्योरिटी फायर से रिलेटिव पूछेंगे इंटरव्यू में, और एक सर्विसमैन को मुझे जहाँ तक पता है आपको ज़्यादा चीज़ कुछ पूछेंगे नहीं, और आपके पास लाइसेंस है आप इजीली ड्यूटी कर, मैं कई सारे एक सर्विसमैन का इंटरव्यू लिया हूँ जिसमें आपको जो भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है वो आप इंटरव्यू में वीडियो में देख सकते हैं, 2-4-5 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, नहीं तो वैसे आप सबके पास तो पता ही रहेगा। तो आप जैसे हमारे पास एक सर्विसमैन का महीने में 2 महीने में वैकेंसी आते हैं बेंगलोर हैदराबाद चेन्नई कहीं के लिए भी, तो सैलरी भी तो रहता है भाई 35,000-40,000 अगर दूर का अगर है वैकेंसी, तो सिक्योरिटी ऑफिसर का भी आता है जो एक सर्विसमैन रहता है तो उसको इजीली मिल जाता है जॉब। सिक्योरिटी गार्ड को कैसे ब्रीफिंग किया जाता है, कैसे PT ड्रिल कराया जाता है, और किस तरह से ब्रीफिंग में अच्छे से अच्छे टर्न आउट में लाया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड का शेविंग बराबर होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रेस होना चाहिए, ये सब रूल रेगुलेशन एक सर्विसमैन से बेहतर कोई जानता ही नहीं है भाई, और इसलिए सबका पसंदीदा रहता है एक सर्विसमैन जो कंपनी क्लाइंट फैक्ट्री रहते हैं सोसाइटी रहते हैं उसमें एक सर्विसमैन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है।
तो आपको अगर अच्छे बेहतरीन सैलरी चाहिए तो आप कोशिश कीजिए गन का लाइसेंस बनाने का। बाकी हमारे पास ऐसे ही अपडेट आते रहेंगे, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रिज्यूम डाल दीजिए, हमारे पास जैसे ही आते हैं वैकेंसी एक्स सर्विसमैन का किसी भी स्टेट में तो हम आपको जानकारी दे देंगे और जानकारी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल यही जानकारी ऐसे अपडेट मिलने के लिए, जैसे हम अभी 15 से लगभग कंप्लीट हो गया है लड़के को जिसको मैं वैकेंसी में जॉब लगवाया हूँ। बहुत जल्द मैं रोजगार शिविर लेकर के आ रहा हूँ, रोजगार कैंप लेकर के आ रहा हूँ यूपी बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल, तो ऐसे ऐसे स्टेट में पुलिस स्टेशन में जाकर के रोजगार कैंप लगाएंगे, रोजगार शिविर लगाएंगे, लड़के को जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बेहतरीन जॉब से इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रतिदिन देते रहते हैं और देते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत जल्द मैं दुबई के लिए लड़के को भी भेज रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड के लिए, वो भी मार्च से बहुत जल्द। तो बने रहे ऐसे ही, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।